ना अभी जैसा वाटरफॉल है, पूरा अभी जैसा वाटरफॉल है। फ्लो देखो कितना जबरदस्त फ्लो है, पूरा माउंटेनों में से एक नंबर है। अगर प्लेस बेसिकली तो आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैंने देखा खुद 18th सेंचुरी का मतलब 18 साल जब चालू हुआ था कैलकुलेशन कैलेंडर, उसके बाद 18th सेंचुरी हिसाब से वैसे भी घर से भी बहुत सारे गणेश के शिव जी के मूर्ति दिखे अपने को। तो हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 और सुबह के ऑलमोस्ट आठ बज रहे और अभी हम निकलेंगे। आई होप आपको कल का ब्लॉग पसंद आया रहेगा। कल हम लोगों ने 4 places एक्सप्लोर किया था, आज भी अपना ऐसे ही कुछ प्लान है कि 3 to 4 places हम एक्सप्लोर करेंगे। सो क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हम आपको आगे के ब्लॉग पे आपको दिख ही जाएगा। तो अभी 8 बजे उठे, बाकी सब जगदीश ये लोग भी सब उठा रहे, उन लोगों को भी रेडी हो रहे, तो जैसे रेडी हो जाएंगे फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। ये रहा अपना पैंथर, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कल माउंटेन में। यहाँ पे जो माउंटेन्स है ना, बेसिकली अप्स एंड डाउन है, मतलब कभी एकदम स्लोप होता है, कभी एकदम उसको ऊपर चढ़ाना पड़ता है, तो अपने को रिदम बना के रखना पड़ता है। तो नॉर्मली अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आई होप आज भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और हम लोग बेसिकली होम स्टे में आए हिल लॉक का, और ये कुछ इस तरह सा प्रॉपर्टी है, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, मतलब फुल ऑफ नेचर है। आप एंजॉय करोगे इस जगह को। इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ पे आके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, या फिर आप अंकल का नंबर भी मैं देखता हूँ, इसका जो ओनर है उसका भी नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम लोग एक्चुअली 3 nights 4 days का प्लान था, तो अपना 2 room homestay का अपने को 15,000 पड़ा है ऐसा, तो 15K अपने को पड़ा है, तो उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और यहाँ से सारे प्लेसेस नज़दीक आसपास ही, ऐसा नहीं है दूर है, लेकिन ये क्या मधिगिरी से थोड़ा दूर है, मतलब कुरुक का जो एक्चुअल सिटी है हम लोग वहाँ से थोड़ा दूर है, ज़्यादा क्राउडेड एरिया से नहीं। हम लोग आराम से एक अलग ही प्रॉपर्टी पे रुके हैं, ताकि इतना क्राउड ना मिले अपने को, और यहाँ पे इतना शोर शराबे नहीं, आराम से रिलैक्स है। सुबह एकदम चिड़िया की आवाज़ आ रही है मस्त, अरे अच्छा शांति सा एनवायरमेंट है, आप नेचर को एंजॉय कर पाएंगे। बेसिकली जो आप आते हो क्रूक कि हम लोग स्कॉटलैंड, इंडिया के स्कॉटलैंड को एंजॉय करेंगे, तो ये अपने को फील होगा, यहाँ पे आके आप एंजॉय कर पाओगे एक्चुअली। चलो फिर नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अंकल ने अपने को बोला था कि आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब आप घूम सकते हो, तो अपने को यहाँ पे ना कॉफ़ी प्लांटेशन होते हुए दिख रहा है, देखो कितने सारे कॉफ़ी प्लांटेशन किया हुआ है। ये पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन है, किधर है चिक्कू? अच्छा ये जो आई थिंक ये बोल रहे हो ना, हाँ ये जो झाड़ है, ये झाड़ है, इसमें थोड़ा छोटा चिक्कू भी है, आपको शायद कैमरे में दिखता नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये चिक्कू का झाड़ है। तो अंकल ने बोला आप जाके पीछे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसा, तो हमने बोला कि अभी टाइम नहीं है तो एक्सप्लोर कर लेते जब तक अपना ब्रेकफास्ट आता है तब तक। तो अंकल से बात करते, पूछता हूँ अंकल को, अंकल थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाए, क्योंकि कल एक्चुअली बहुत लेट हो गया था अपने को ब्रेकफास्ट करते। तो आ गए अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, आज स्पेशल है, आज मेदू वड़ा है, सबको पसंद है। और ये रहा उपमा, ये साथ में सांबर दिया है, उपमा है, फ्रूट्स दिए, ब्रेड और जैम, अरे वाह। सो सब लोग एक्साइटेड है बहुत ही ज्यादा, जगदीश तो बहुत ही ज्यादा मेदू वड़ा खाने के लिए एक्साइटेड है, या Everyone is so much excited. यहाँ का टेस्ट एकदम अलग रहेगा। जैसा मुंबई में खाते वैसा वैसा नहीं रहेगा। हाँ एक्चुअली हमने बोला यहाँ का लोकल ऑथेंटिक ही चाहिए अपने को मोस्टली खाना, तो उस हिसाब से यहाँ का लोकल, यहाँ पे लोकल थोड़ा अच्छा है। हाँ यहाँ के जो ऑथेंटिक खाना अपना ये जल्दी सोचने वाला रहेगा। बताओ खा के बताओ कैसा है। छोटा एक स्पून दो कॉफी के लिए रखो। कैसे मुंबई जैसे कुछ अलग है? अपने जैसे ही लग रहा है, अपने जैसे ही मुंबई यहाँ का स्पेशलिटी है ना। चलो फिर खाना नाश्ता करते फिर आगे मिलते। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग जहाँ पे रुके हिल रॉक होम स्टे पे, सो अंकल जी हम लोग के सामने है, तो बताएगा अपने को बताएंगे वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ का अगर, तो मिलते उनसे। सो हेलो अंकल, कैसे हो? हाउ आर यू? सो बताइए आपके इस हिल लॉक के ऊपर
कुछ हम लोग को ऊपर हम क्या बताना पे बताना है हाँ you like to tell me about your stay and things like we are enjoying sir we are enjoying it's a very much good property and we can see that it's a very good amount of farming also is there plantation like coffee plantation chiku we have done in the morning some tour also so we found such in between the nature we are living so we are enjoying that's the main point it's when you work in the city from the concrete jungle you come to the real jungle no it's change of scene for you and it's just a relaxation point we are too enjoying and your hospitality is also very much good means we like the food over there how you treated us and the way you speak to us thank you so when you started this means this is about 13-14 years back I did not start as a commercial venture okay my wife and my sister they needed some activity I thought let's build this and they'll be engrossed with the people so they can come and visit there it's nice speaking to people from different parts of the country and sometimes we get foreign tourists as well okay so basically any people can book this homestay through homestay only or you have some other website no I did not go for website okay. I had a website I just wanted to cut down okay so is anybody can call you and can they book that they can do that so can you please share your number so that I can 984 okay 512-5678 okay सो अंकल का जो नंबर है मैं आपको वीडियो के स्क्रीन में दे दूंगा सो आप कैन एनीबॉडी कैन कांटेक्ट यू ना एट एनी टाइम इज इट एनी टाइम ना ओके सो लोग बुक कर सकते हो ऐसे अंकल को फ़ोन करके भी आप बुक कर सकते हो तो आप आ सकते हो बेसिकली वी लाइक द हॉस्पिटलिटी और लोकेशन भी जो है अच्छा है सो इज वेरी मच गुड प्लेस सो थैंक यू अंकल आपके हॉस्पिटलिटी के लिए चलो मोरिया गल मूर्ति हर हर महादेव जय शिव शंकर जय शंभू तो अभी हम निकल चुके हैं मंडलपति के लिए और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 10 ही बज रहा है 9:51 है तो ऑलमोस्ट 10 ही है सोचा था जल्दी निकलेंगे लेकिन वो हो नहीं पाता कभी कभी वो गाड़ी वॉश करना रहता है फिर नाश्ते में थोड़ा देरी हो जाता है लेकिन चलो ठीक है फिर भी हम लोग 9 के बदले 10 एक घंटा लेते चलेगा कोई बात नहीं कल से तो जल्दी निकले हाँ कल हम लोगों को निकलते 11:30 हो गए थे आई थिंक तो आज उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था चलो फिर मिलते हैं आपको आगे रास्ते पे तो ये अपना कावेरी रिवर ये वही रिवर है जो अपना तल का वेरी से जो आगमन होके अपने पूरा आगे जाता है तो ये वही रिवर है अभी थोड़ा मत मेला है मानी क्योंकि वो पूरा ऊपर से ये आ रहा है बारिश के सीजन है तो पूरा मिट्टी साथ में आ रहा है इसके लिए यहाँ पे एक्चुअली कर्व ज़्यादा है तो थोड़ा माउंटेन एरिया है ना तो इसलिए थोड़ा कर्व ज़्यादा है तो थोड़ा संभल के जिन लोगों को माउंटेन ड्राइव आता है ना बेसिकली मैं बोलूँगा उनको ही सजेस्ट करूँगा अगर आप अपना गाड़ी लेके आ रहे तो नहीं तो यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाता है जो आप इजीली उन लोग घुमा देते हैं आप ऑटो चाहिए तो ऑटो भी कर सकते हैं नहीं तो हिल लॉक जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से भी आपको आसपास बस बहुत सारे तो आपको ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बाकी आप बाइक से करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल मिल जाता है 600 रुपये का पर पर्सन पर बाइक का मिल जाता है जैसे आपको अच्छा लगे ट्रैवल करने के लिए बट मैं कहूँ आइए क्योंकि इंडिया का स्कॉटलैंड है और एक्चुअली आप देख पाते भी होंगे कि पूरा ग्रीनरी है और हर जगह आपको पूरा नेचर का वाइब्स आता है वैसा चलो फिर अब आपको मैं वाटरफॉल दिखाता हूँ मैंने आपको कहा था यहाँ पे एक वाटरफॉल आएगा तो ये छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन सही है ये अपना एक पहला वाटरफॉल जो ये अभी लैंडस्लाइड जोन है तो थोड़ा संभाल के चलना जब जितना जल्दी उसे क्रॉस कर लो क्योंकि लैंडस्लाइड है ना तो यहाँ पे मोस्ट कई कई जगह आपको लैंडस्लाइड जोन दिखेगा तो थोड़ा आगे ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे देखते हुए आप
आगे। ये अपना तीसरा वाटरफॉल है, जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त। ये अपना एबी जैसा वाटरफॉल है, पूरा एबी जैसा वाटरफॉल है। फ्लो देखो कितना जबरदस्त फ्लो है, पूरा माउंटेनों में से एक नंबर है यार। यही अपना मानसून में मजा आता है, यहाँ पे लोग फोटोशूट भी कर रहे हैं अपना अपना। फ्लो देखो ना भाई, क्या फ्लो है, क्या जबरदस्त फ्लो है। तो अपना ऐसा लग रहा है दूसरा एबी वाटरफॉल है। आपको अच्छा फ्लो नहीं आ रहा है तो आपको दिखता रहेगा, जबरदस्त वाटरफॉल हो रहा है, जबरदस्त वाटरफॉल है। सही है, मुझे तो अभी का ऐसा याद आ गया, लेकिन है मज़ेदार है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपना तीसरा वाटरफॉल था, आई थिंक इस बार शायद नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा तो भी आपको दिखा दूंगा। तो फाइनली अपनों को एक जिप्सी मिला है, तो ये जिप्सी में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे रास्ते जो है थोड़े ऊबड़ खाबड़ के, तो संडे का टाइम इसके द्वारा रश है, लेकिन ठीक है अभी मिल गया तो हम लोग जा रहे हैं। इतना यहाँ पे अभी चाहे हम लोग पीछे बैठे ना, तो जितना हो सके रिकॉर्डिंग करें, फिर आपको आगे दिखा दे मंडल पट्टी पे। वैसे रास्ते तो जगदीश रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको जितना हो सके वो कैप्चर कर रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ये है, तो आपको थोड़ा शेकी फुटेज मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो ऐसे रास्ते हैं, चल चल के आने का। हाँ ये भी सही है, लोगों का अगर ट्रैकिंग करना रहेगा तो इस रूट से आ सकते हैं। ये जी अपने पीछे ये जीप जा रहा है, तो इसलिए आपको पता दिख रहा है कि रास्ते ऐसे खत्म। रास्ते में बोला ना आपको ऐसे खत्म हो रहा है। अच्छा ऐसे बाइक से पूरा। अच्छा अच्छा हाँ, इसलिए मोस्टली लोग अपना गाड़ी नहीं लेके आते, क्योंकि रास्ते यहाँ पे ऐसे है तो अवॉइड ही करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बादल हट रहा है, तो शायद अपने ऊपर जाके व्यू मिल जाए, लेकिन देखते कैसा रहता है। यहाँ पे स्किट होगा बाइक, तो थोड़ा देख के गए। यहाँ पे लोग अपना अपना बाइक भी लेके आ रहे। ये TS वेयर यू केम फ्रॉम, वेयर यू आर TS हैदराबाद। हैदराबाद, सो यू आर ड्राइविंग फ्रॉम हैदराबाद। बैंगलोर। यू आर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आए हो? सेम प्लेस बैंगलोर। ओके जॉब के लिए यहाँ पे। हाँ सो हम लोग आ चुके हैं मंडलपति पे, और यहाँ पे सीधा जाना है, सीधा हाँ रिकॉर्ड किया। आप लोग भी आए? आप लोग कहाँ से हो? हम लोग भी महाराष्ट्र के है, हम लोग कल्याण से, हम लोग कल्याण या अंधेरी वाले। पवई हाँ सेंटर पॉइंट।
और ये जो हम लोगों के साथ मिले ये लोग भी महाराष्ट्र से ही है। आपका नाम क्या है? चेतन। चेतन, ये लोग भी महाराष्ट्र से ही है, नासिक से आए। आप लोगों का नाम बता दो ना। जय महाराष्ट्र। देखो मतलब अपने को यहाँ पे भी मंदिर मिल रहे हैं महाराष्ट्र के। हाँ मैं बोला ना, बहुत सारे मराठी। हाँ तो अभी थोड़ा यहाँ पे ट्रैकिंग करना पड़ेगा उसके बाद। यहाँ पे थोड़ा सफोकेशन का, थोड़ा सफोकेशन का इशू हो रहा है। हाँ बट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है क्लाइमेट यहाँ पे, पूरा क्लाउडी है, आपको दिखता रहेगा। मुझे क्या लगता है मालूम है, ये नहीं आना चाहिए। तो व्यू तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ फॉग देख रहे हैं। हाँ जो व्यू दिखता है ना, तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ कुछ दिखेगा भी नहीं। तो कभी आना चाहिए, गर्मी में सितंबर में आना चाहिए शायद। आपके पलकों में ना पाए जम गया है पूरा, ओस के बूंदे गिरे पूरे पलकों में। क्लोजअप ले लेते हैं। वही तो ले रहा हूँ सच में। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। यहाँ पे आप हवा खा सकते हो, बादलों को हाथ लगा सकते हो, और बादल आपको गिफ्ट में आपके उसके बूंदे देके जाएगी, आपके पलकों में, आपके बालों में, गाड़ी पे भी सब उसके बूंदे आ रही थी। हाँ देखो। देखिए ठंडा है, बहुत जबरदस्त ठंडा है। कुछ विजिबिलिटी नहीं है यार, थोड़ा हद तक एक दूसरे को देख पा रहे ना, यही विजिबिलिटी है। नहीं मतलब ये स्पॉट पे आके, हाँ ये स्पॉट पे जो एक्सपेक्टेड था कि 360 व्यू अपने को दिखेगा। बारिश का टाइम है ना, ये फॉगी एनवायरनमेंट जो उनसे कुछ। हाँ ये छोटा सैंटा क्लॉज बड़ा सैंटा क्लॉज। अरे जबरदस्त निकल। हाँ ये अभी तुम खुद ही घूम गए क्या है? सुपर वूमन। इधर देख कर उधर क्या देख रहे हो? देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, पूरा पुराना जा रहा है लेकिन फॉग में जबरदस्त व्यू आ रहा है इसका। सो फाइनली हम लोग ऊपर से आ गए और देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ हम लोगों ने बादल को खाया बैठे थे मुंह खोल के। बादल बादल खाया और ये बहुत एंजॉय किया हम लोग ने बहुत ज्यादा। जगदीश को एक ग्लास चाहिए जो बादलों के बाद दिखने वाला है, तो कोई भी ब्लॉग देखता है ऐसा ऐसा एक रिसर्च होना चाहिए। चलो फिर आप जाते हैं आगे। सो फाइनली हम लोग मंडलपट्टी से नीचे आ गए और अभी जस्ट गाड़ी लेके बाहर आए। मंडलपट्टी का मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप सप्तम मंथ आओगे तो आपको कुछ अच्छा व्यू दिखेगा, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं दिखा, पूरा क्लाउडी था और मतलब 5 मीटर का भी डिस्टेंस में आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं, लेकिन एंजॉय हम लोगों ने बहुत किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मडिकेरी पे और वहाँ पे जाके थोड़ा लंच करेंगे, फिर जो भी शॉपिंग करना है तो वहाँ पे हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ प्लान है। तो अभी हम लोग आए हैं राजा टॉम पे, तो ये अपना एंट्री है राजा टॉम का। कर्नाटका में लिखा है अपना फ्लैग और ये अपना राजा टॉम। एक्चुअली आर्किटेक्चर बहुत पुराना हो गया ना, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये गार्डन है अभी, तो हम लोग अभी थोड़ा गार्डन में घूम रहे और देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये दो अकबर तो दिख रहे हैं अपने को और अंदर जाने का कुछ है क्या देखते है। मकबरा और ये 1961 से है ये मकबरा, मतलब बहुत पुराना है, अभी तो क्लोज करके रखा है पूरा। अब ये देखे पूरा क्लोज है, आर्किटेक्चर अच्छा है बनाया है लोग ने, लेकिन जस्ट ये मैं शेयर कर रहा हूँ। और चलो देखते हैं शिवलिंग देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना के रखा है और मकबरा जो है उसका लेफ्ट साइड में जो दूसरा पहला वाला था वो मकबरा है। अभी तो अंदर से पेंट किया, शायद बाहर से भी कर देगा तो और भी अच्छे से आएगा, लेकिन जबरदस्त है, हिस्टोरिकल प्लेस बेसिकली। ऊपर से देखते हैं क्या दिखता है। हाँ पूरा वैली दिख रहा है यहाँ से, और अपना
सो बेसिकली ये फोर्थ था जो अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इसको बोले कि फोर्थ में तो नहीं आ सकते, तो बट यहाँ पे आसपास एक गणेश का मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे वीडियोग्राफी मतलब कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल से आप फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एंट्री चार्जेस नहीं है। वो देखिए आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पूरा फोर्ट है जो बोले कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये म्यूजियम है तो ये म्यूजियम में जा सकते हो, बोला म्यूजियम है। और एक गणेश टेम्पल है यहाँ पे, एक बोला म्यूजियम है और गणेश टेम्पल है, वो फोर्थ है, फोर्थ पे काम चालू है। इसका काम चल रहा है तो उन्होंने बोला 4 साल लगेगा, 4 साल तो बोला एंट्री नहीं रहेगा, लेकिन आप म्यूजियम देख सकते हो, म्यूजियम देख के जा सकते हो। हाँ म्यूजियम देख सकते हो, ये ऐसा कुछ है। और अपना यहाँ पे एंट्री फीस नहीं है, एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल प्लेस है ये बोल रहे, तो इसको हाँ है। म्यूजियम बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल आइटम्स है बहुत सारे, कुछ कुछ मुझे वीडियो मिला है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो इसलिए नहीं निकालना है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मिला है वो आपको मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा प्लेस है, मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आपको हिस्ट्री से लेते कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है और उसके ऊपर कुछ जानना है तो हिस्टोरिकल प्लेस है बेसिकली, तो आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा खुद 18th सेंचुरी का मतलब 18 साल जब चालू हुआ था कैलकुलेशन कैलेंडर, उसके बाद 18th सेंचुरी हिसाब से ऐसे भी गए, बहुत सारे गणेश के शिव जी के मूर्ति दिखे हमने को, तो अच्छा है प्लेस है, तो आप मस्त विजिट प्लेस है। फाइनली बहुत मुश्किल से एक पार्किंग तो मिला और अपना गाड़ी उधर रुका है कॉर्नर में, और अभी यहाँ पे थोड़ा अभी लंच करेंगे और इन लोगों को थोड़ा चॉकलेट लेना है, तो ये लोग शॉपिंग पे गए करने के लिए। तो ये रहा अपना गाड़ी, पार्किंग मिल गया, तो अभी थोड़ा लंच करते हैं और थोड़ा जो घर के लिए शॉपिंग करना है वो भी ले लेते हैं, फिर बढ़ते आगे। तो हम लोग ने यहाँ से थोड़ा बहुत चॉकलेट्स लिए घर के लिए, तो हमें चॉकलेट है तो हम लोग ने यहाँ से वो ले लिए, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिए। तो अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर किया हुआ है, तो आगे जाके अभी हम लोग ने सजेस्ट किया कि वेज के लिए शांति सागर अच्छा रेस्टोरेंट है, तो खा के देखते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी है, ये पोस्ट ऑफिस है ना, हाँ यहाँ पे मार्केट के बीच में पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस का एटीएम भी है यहाँ पे। ये कुछ मार्केट है मरीगेरी का, ये यहाँ पे पार्किंग जोन है मरीगेरी का, मतलब कुछ आते हैं तो पार्किंग करते हैं। और यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन, टाउन पुलिस स्टेशन मरीगेरी का, अच्छा बना है, मस्त है। बीच में जो पुलिस स्टेशन है, साथ में फ्लैग अपना कौन सा, हाँ कोदोगु वुमेन पुलिस स्टेशन, वेलकम पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन सही है। तो यहाँ पे जो लिखा है होटल श्री शांति सागर प्योर वेज, वो इधर है, तो अभी हम लोग अंदर ही जा रहे हैं, तो यहाँ से जाते हैं अंदर और पेट पूजा करते। तो अभी हम लोग मरीगेरी के सिटी में घूम रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग का करने वाले, एक्चुअली स्वीट्स लेके जाना है, तो यहाँ पे फेमस है ये महालक्ष्मी स्वीट्स, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हम लोग ने ये एक मशहूर पार्क लिया जो सिंपल वाला है, और ये थोड़ा काजू फ्लेवर वाला है, काजू की बादाम तो बादाम वाला, और एक सिंपल वाला लिया है, टेस्ट किया हम लोग ने थोड़ा अच्छा लगा। और यहाँ का स्पेशलिटी है बेसिकली अपना मरीगेरी का, तो सोचा लेके जाते घर के लिए। तो आज हम लोग 3 स्पॉट कवर किया मरीगेरी पे, मंडलपति और फोर्थ मरीगेरी का फोर्थ, और अपना राजा टॉम जो अपने रास्ते पे आता है। बाकी तो गोल्डन टेम्पल हो नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे और आपके साथ शेयर भी करूँगा। मिस हो गया क्योंकि अपने को शॉपिंग करना था, तो इसकी वजह से मिस हो गया, लेकिन ठीक है कुछ चीज़ें छोड़ नहीं पड़ती है ताकि हम नेक्स्ट टाइम वापस आके पूरा कर सके, मैं तो यही सोचता हूँ, और करेंगे हम लोग। तो यहाँ से लेके हम लोग घर पे बढ़ते, फिर आपको सीधा हम घर पे। आप लोग का नाम बता दो ना। हाँ, मेरा नाम बेगम। और आपका पार्वती। पार्वती,
थैंक यू. खाना बहुत मस्त था, बहुत अच्छा था. अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना था. आज अपने को खाने में मिला है चिकन, हम लोग के लिए एक आलू भज्जी, फूल गोभी और ग्रीन वेजिटेबल, और साथ में रोटी जो बटर अपना देसी घी का. तो ये फूल गोभी, मेथी है शायद, मेथी बटाटा वाला, बटाटा भजी रहे, बटाटा भजी है, रोटी दाल और एक दाल और ये अपना रसम और चावल. रसम अपना जगदीश को बहुत पसंद है यहाँ का. तो स्पेशली जगदीश के लिए, जगदीश के लिए एक एक बोल तो रखते हैं उन लोग ताकि उनको पसंद आए तो. और साथ में राइस भी है, राइस भी है. अपना मेडिकल का लास्ट नाइट है. तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा. आज का जो आपका ब्लॉग था थ्रीज पर हमने कवर किया. जो कल मिलते हैं, अभी हम लोग कल निकलेंगे मुंबई के लिए सुबह 4 बजे, और कल ही मिलेगा अभी आपको हम.